प्रातःवंदन बच्चों, आज हम शेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षा जो नौवीं कक्षा है उसके संस्कृत पाठ पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। नवम कक्षा है संस्कृत पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जो पाठ है बेटा ये है पाठ तृतीय गोदोहनम, है ना। गोदोहनम यानी गाय का दोहन करना, ठीक है ना। तो ये चतुर्व्यूह हम ये नाटक है, आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे कि क्या है ये गोदोहनम, और नाटक को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं गोदोहनम पाठ को। थोड़ा सा पाठ का परिचय पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ होता है। एतत् नाट्यांशम चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथान कम अस्ति, यह धनवान सुखा काखी च भवितुम इक्षुकः, मास पर्यन्तं दुग्दोहाना देव बिरमति, येन मासान्ते धेनुः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धं एकवारमेव विक्रिय संपत्ति संपत्तिमर्जयतु, यानी संपत्ति को अर्जित करना संपत्तिर मर जितु समर्थ भवे। परम मासंते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्तनोति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने साधेनुः प्रहारई रक्त रंजितः भवति, अवगच्छति च यत् दैनंदिनी दैनंदनम कार्य यदि मास पर्यन्तं संग्रहत क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इसमें ये बताया गया है, समझिए थोड़ा इसका हिंदी अनुवाद, कि ये जो नाटक है वो चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से महीने भर गाय का दूध दोहना रोक देता है। कितने महीने भर गाय का दोहन नहीं करता, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्र बहुत सारे दूध को एक बार में ही बेचकर धन प्राप्त करने में समर्थ हो सके। परंतु महीने के अंत में जब दूध दोहने का प्रयास करता है तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दूध प्राप्त करने की जगह वह गाय के प्रहारों से लहूलुहान हो जाता है और समझ जाता है कि रोज के काम में यदि महीने भर इकट्ठा करके किए जाते हैं तो लाभ की जगह क्या होती है, हानि होती है। इस प्रकार आज हम इस नाटक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जब वह गाय के दूध का दोहन नहीं करता उसके मन में क्या चलता है कि इकट्ठा ही बेचा जाएगा इकट्ठा निकाला जाएगा। तो ये समझ में आता है कि रोज के काम को यदि हम रोज रोज यदि जो इस काम को करते हैं तो इसको ना करें और इकट्ठा करने की कोशिश करें तो लाभ की जगह हानि होती है। चलिए आइए इसके आगे जो नाट्यांश उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप बेटा पिक्चर में देख रहे हैं गोदोहनम, यहाँ पर गाय बनी है और एक जो व्यक्ति है वो गाय के दूध का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। आज इस गोदोहनम पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं कि यदि हम किसी कार्य को रोज के कार्य को रोज के समय पर यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ की जगह क्या होगी, हानि हो सकती है। प्रथमम दृश्यम, पहला इसका जो दृश्य है वह है मल्लिका मोदकानी रचयन्ति मंद स्वरेण शिवस्तुति करोति, तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। यहाँ पर मल्लिका है जो नायिका है ना नाटक की, और जो चंदन है वह नायक है। तो जो मल्लिका है वो क्या कर रही है, मोदकानी यानी लड्डुओं को बहुत अच्छे तरीके से बना रही है, और जो चंदन है लड्डुओं को बनाते हुए वह मंद स्वर में यानी धीरे धीरे शिव स्तुति भी गा रही है, और इसी के साथ ही प्रवेश करता है मोदक की गंध को सुगंधित, मतलब जब जाती है जब लड्डू बनते हैं घरों में तो तुमने देखा होगा ना बच्चों की खूब सुगंध फैलती।
इस प्रकार बच्चों जो मैं आपको बता रही थी कि जो चंदन है वह मोदक यानी लड्डू की सुगंध को जैसे ही वो अनुभव करता है तो वह प्रसन्न मन से अंदर प्रवेश होता है। चंदन आह सुगंधस्तु मनोहरा बिलोक अये मोदकानी रचयन्ति प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम् गृहीतुमिच्छति मल्लिका साक्रोधम विरम विरम मास्प्रहा एतानि मोदकानि। तो चंदन क्या कहता है कि जैसे ही मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमी आवाज में शिव स्तुति कर रही है, इसके बाद लड्डू की गंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन क्या करता है अंदर प्रवेश करता। चंदन क्या कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहरा अरे आहा सुगंध तो बड़ी अच्छी है बिलोक के देखकर अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं प्रसन्न होता अरे ठीक है आस्वादाम यानी मैं तो चखता हूँ। किसको चखता हूँ वह लड्डू लेने की इच्छा चाहता है मतलब लड्डू लेना चाहता है उसकी इच्छा होती है। मल्लिका क्या कहती है साक्रोध क्रोध के साथ अरे विरम विरम रुको रुको माँ प्रसाद तानी मोदकानी इन लड्डुओं को चंदन किमर्थ क्रोध से अरे क्यों क्रोध करती हो तब हस्त निर्मतानी मोदकानी दृष्टवा अहम जिभ्या लोलोपताम नियंत्रित हो तुम अक्षमास्मी किम न जानासी त्वमी त्वामिदम। तो वो क्या कहता है किस लिए क्रोधित होती है तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को दृष्टवा यानी देखकर मैं जीव जिभ्या लोलोपताम मैंने जीव जो के लालच में को रोकने में असमर्थ मैं अपनी जीव को नहीं रोक सकता लड्डुओं की लालच में क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका समग्र जानामि नाथ अच्छी तरीके से जानती परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति परंतु ये लड्डू जो है वो किस चीज के लिए पूजा के लिए है। देखिए इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं मोदकानि यानी लड्डू या लड्डू का दहनु गाय मंद स्वरेण यानी धीमी आवाज में मनोहरा मनमोहक या बड़ा अच्छा या आकर्षक भूतवा होकर है ना आस्वाद यामी चखता हूँ ग्रह तुम लेना या लेने के लिए विराम यानी रुको दृष्टवा माने देखकर जिभ्या लोलुपताम यानी जीभ का लालच है ना जिभ्या लोलुपताम रोकने मतलब जीभ के लालच को रोकने रसना लोभम अक्षमा असहाय असमर्थ नियंत्रितुम रोकने में या रोकने के लिए समग्र यानी अच्छी तरीके से या उचित प्रकार पूजानी निमित्तानि यानी पूजा के लिए पूजा। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। चंदना तहिर शीघ्रम एव पूजनम संपाद्यम प्रसादम च देहि मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामा चंदना सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति वयम सप्ताहांते प्रति गमिष्यामः तावत् गृह व्यवस्थां धैनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थांज परिपाल्य। शब्दार्थ समझिए तहिर माने तो अतः संपाद्य ने पूरी करो पूर्ण करोति देहि माने दो प्रदान करो अत्र ने यहाँ अस्मिन् स्थाने श्वः यानी आने वाला कल धर्म यात्रा मैंने धार्मिक यात्रा तीर्थ यात्रा विषादम यानी उदासी या दुख आम यानी हाँ सप्ताहांत ने सप्ताह के बाद प्रत्यागमिष्यामः यानी वापस आएंगे परिपालय यानी संभालना जन्मा समझते हैं चंदन ठीक है जल्दी से पूजा करो पूजा पूरी करो और प्रसाद दो। मल्लिका अरे यहाँ पूजा नहीं होगी मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी हम वहाँ क्या करेंगे गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं उदासी का नाटक प्रकट करता है। मल्लिका हाँ मैं जो उसकी सहेलियाँ होती हैं चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही हैं इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है हम एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को आपको क्या करना है संभालना है। यहाँ पर जो मल्लिका है वह अपने सखियों के साथ कहाँ जा रही है काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही है तो वो वहाँ पर पूजन करेगी पहले गंगा स्नान करेगी फिर पूजन करेगी।
इस प्रकार से मल्लिका कहाँ जा रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही है पूजन के लिए। चलिए, ये इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया वो प्रथम दृश्यम था, अब इसके बाद जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है द्वितीयम दृश्यम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चंदनः अस्तु गच्छ सखी भी यह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते संतु पंथाना। चंदन क्या कहता है, मल्लिका तू धर्म यात्रा ही गता, अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपात्र हस्ता नंदिन्या समीपम गच्छति, जो उसकी नंदिनी गाय है। उमा मातुलानी मातुलानी चंदन चंदनः उमे अहम तु मातुलः, तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीं गतास्ति, कथया किं ते प्रियं करवाणि, शब्दार्थ समझिए, शिवास्ते यानी तुम्हारी मंगलकारी तब कल्याणकारी, पंथा मार्ग यानी यात्रा मार्गा, गता गई, अगच्छत दुग्ध दोहनम यानी दूध को दोहना, स्वप्रातराशस्य अपने सुबह के नाश्ते की, निज पयो दोहनम प्रातः कालस्य अल्पाहारस्य, धृत्वा धारण करके स्वीकृत्य मातुलानी यानी मामी, मातुलानी मामी मातुली, और मातुलह माने मामा, मातुलानी किसको कहते हैं, मामी को, और मातुलह मामा को, मातु भ्राता, करवाणी यानी करूं करतु शक्नोमि। दूसरे दृश्य का हिंदी अनुवाद समझिए, चंदन चंदन क्या कहता है, ठीक है जाओ, किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, मल्लिका से, और सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा से खुश हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन मल्लिका तो धार्मिक यात्रा पे गई है, अच्छा दूध दोहना करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूंगा, स्त्री वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है, किसका वेश धारण करता है, स्त्री वेश धारण करता, दूध का बर्तन हाथ में लेके नंदिनी गाय के पास जाता है। उमा जो उमा है वो आती मामी मामी, चंदन क्या कहता, उमा मैं तो मामा हूं, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए कहाँ, गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, काशी गई है, कहो कथा कथा है किम प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, ऐसा वह बोलता है। उमा मातुल पितामह कथयति मासांतरम अस्मत गृहे महोत्सव भविष्यति, त्रया त्रिशत सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, एषा व्यवस्था भवद भी करणी। चंदना प्रसन्न मनसा त्रिशत सेटक कप परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रतीत्वा वक्तव्यम्। उमा धन्यवादः मातुलः यासधुना सा निर्गता। पितामह शब्दार्थ समझिए, पितामह दादाजी, पितृजन का सेटक मितम मैंने एक लीटर मितम भवदादि आपके द्वारा युष्माभि त्वा तुम्हारे तुम वक्तव्यम कहना कहना चाहिए, कथितव्यम यातधुना जाती हूँ अब यामी धन अधुना इदनाम गच्छति, निर्गता निकल गई। मामा दादाजी कह रहे हैं एक महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा उमा ने कहा, किससे कहा, चंदन से कहा। चंदन प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध त्रिशत सेटक कप परिमितम, 300 लीटर दूध सुंदर दूध की व्यवस्था होगी, ऐसा ही तुम दादाजी से कहना। उमा क्या कहती, धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा, यासिस धोना अब जा निर्गता निकल जाती, अब जाती हूँ
और इस प्रकार से उमा जो है धन्यवाद मामा अब जाती हूँ और वह निकल जाती है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये कक्षा नौमी संस्कृत विषय के अंतर्गत मैंने गोदोहनम पाठ को आपको इसका जो नाटक है उसके दो दृश्यों को पढ़ाया और समझाया। इसके आगे के नाटक को हम आगे क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से रजिस्टर में या कॉपी में लिखते जाइए और बेटा पढ़ते जाइए और याद भी करिए। धन्यवाद बच्चों।